बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा आज का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के बारे में, सेल्स की टाइप्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पांच मेजर ग्रुप्स होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया। तो हमने देखा कि सब एटॉमिक, और एटॉमिक लेवल जो है हमारा सबसे बेसिक लेवल है, और इसी तरह से फर्दर सो ऑन तमाम लेवल्स को हमने स्टडी किया, और लास्ट वन हमारा लेवल था बायोस्फीयर लेवल, जिसके अंदर हमने तमाम लेवल को सम किया, ठीक है, सम अप किया लेवल्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को कितनी टाइप्स के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमें पता है कि तो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच बड़े मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वो पांच ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाए, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये पांच मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। फिर हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना है, और अब सेल की भी टाइप्स होती हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल की भी दो टाइप्स होती हैं, फर्दर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को ही इसके बारे में पता होता है कि सेल्स की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज द यूकैरियोट्स। उसके बाद हमारे पास लेवल्स की बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कि हमारे पास इन दो बेसिक लेवल्स के बाद, दो बेसिक सेल की टाइप्स के बाद, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मेजर तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तीन बड़े ग्रुप्स कौन से हैं हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स, सबको पता है प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो की अगर हम बात करें तो बिफोर न्यूक्लियस, मतलब के ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिनके अंदर अभी वाजिया न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। मींस हम कहते हैं इसके अंदर वाजिया या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम प्रोकैरियोट्स कह देते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं? उन सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिस ग्रुप में यह पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर सेल को हम ऑर्गेनाइज करें यूकैरियोट्स की फॉर्म में, तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब है करेक्ट, मीन उसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट न्यूक्लियस होगा, वाजिया न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाएगा, तो इसलिए उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, ये था हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस। फिर हमने देखा कि सेल जो है उसको हम तीन मेजर ऑर्गेनाइजर में इसको डिवाइड करते हैं, तीन मेजर इसके पास हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सेल ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए सेल की तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन इज द कॉलोनियल, एंड थर्ड वन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम वन बाय वन इन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ओनली वन सेल। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ फिर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस ओनली वन सेल, सिर्फ इसके अंदर एक सेल होगा, एक से ज्यादा सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, आपने नाम से ही याद रख लेना है कि यूनि का मतलब होता है वन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की तमाम बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर ही मुश्तमिल होती है,
और इसकी पूरी जो जिंदगी है वो सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करती है। तो ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को बना सकता है। और ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल, यानी सिर्फ एक सेल से उसकी जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। उसकी उसका लाइफ साइकिल जितना भी होगा जिंदगी का, वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करेगा। अब अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट बैक्टीरिया भी जो है वो यूनिसेलुलर में ही आते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर लाइफ ही होती है उनकी भी। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अमीबा की आपको पता है शक्ल, कोई भी आप इस तरह से टेढ़ी सी कोई भी शक्ल इस तरह से बना के उसके अंदर एक न्यूक्लियस शो कर दें तो वो अमीबा बन जाता है। यूग्लिना आपको पता है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, आगे पीछे उसका जो है इस तरह से फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर पैरामीशियम की बात करें तो उसको आप इस तरह से एक जूते की शक्ल की बना के साइडों पर, चूंकि उसके सीलिया होते हैं फ्लोट करने के लिए, तो आप उसको सीलिया बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कॉलोनी, जैसे कि कॉलोनी के अंदर, अब एक कॉलोनी फर्ज करें आपके पास कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का कोई भी कॉलोनी का नेम ले लें आप, उस कॉलोनी के अंदर सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही घर होगा। कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। उसमें 100 घर हो सकते हैं, उसमें 200 घर हो सकते हैं, डिपेंड करता है इस कॉलोनी का रकबा कितना है, ठीक है। तो लेकिन एक कॉलोनी के अंदर एक से ज्यादा घर जो है वो पाए जाते हैं। तो इसी तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, उसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मोस्टली यूनिसेलुलर सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब होते हैं तो वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, होते हैं तो वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मिलके रहते हैं, लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉलोनी, मतलब वो इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन याद रखिए कि वो होते यूनिसेलुलर ही हैं, उनकी बॉडी एक सेल पर ही मुश्तमिल होती है, लेकिन चूंकि वो मिलकर रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पर, तो इसलिए वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो यूनिसेलुलर हैं और वो रह रहे हैं इकट्ठे, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, उसके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। अब व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हर शख्स अपना अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फैक्ट्री की एग्जाम्पल दी थी कि एक फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो कॉटन की फैक्ट्री है, चाहे वो शुगर की फैक्ट्री है, या कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट मजदूर काम कर रहे होते हैं, और हर मजदूर अपना स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। हर मजदूर के जिम्मे अपना एक काम होता है। तो कहते हैं कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती, मतलब कि कोई भी दूसरे का काम नहीं करेगा, हर कोई अपना अपना काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बेशक वो यूनिसेलुलर हैं, बेशक वो इकट्ठे रह रहे हैं, वो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं एक जगह पर, ढेरों सेल्स हैं, लेकिन कोई भी दूसरा सेल एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। जैसे कि एक कॉलोनी के अंदर फर्ज कर लें 100 घर हैं। अब जो 100 के 100 घर हैं, क्या वो सिर्फ वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि अगर एक के घर में खाना है तो दूसरे के घर में होगा, अगर उसके घर में नहीं है तो उसके घर में भी नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। कॉलोनी में जितने भी घर होते हैं वो सब लोग अपने अपने कामों के जिम्मेदार होते हैं, सबने अपना अपना काम करना होता है। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर सेल्स में भी यही मतलब है कि बेशक वो इकट्ठे रह रहे हैं, बेशक वो मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अपना काम खुद करना है, कोई भी दूसरे का काम नहीं करेगा, सब लोग अपना अपना काम खुद करेंगे। तो तमाम सेल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्जी है जो कि कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। आपको पता है जहाँ पर भी ताज़ा पानी होता है ये वहाँ पाई जाती है, स्पेशली ये होती है फ्रेश वाटर में। देखिए आपके घर में
जो पानी का नल है, ठीक है, जो टैब होती है हमारी, जो वॉशरूम की टैब है, जो किचन की टैब है, अक्सर आप देखते हैं उसके अंदर ग्रीन कलर की काई जिसे हम कहते हैं वो जम जाती है, ठीक है। और वो देखें हमारे टैब के अंदर पानी कौन सा आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है ना, साफ पानी आ रहा है। टैब के अंदर गंदा पानी तो नहीं ना आता, टैब के अंदर जो कि साफ पानी आ रहा है, तो इसलिए वहां पर वॉल्वक्स बन जाती है, वहां पर ग्रीन एलजी बन जाती है। और ग्रीन एलजी हमेशा वहां होगी जहां पर इन्वायरमेंट साफ होगा, कभी भी गंदे इन्वायरमेंट के अंदर या कभी भी जहां पर डिटर्जेंट वाला पानी होगा, जहां पर सोप वगैरह पानी होगा, वहां कभी भी ये नहीं आएगी। हमेशा उस टैब के अंदर आती है जहां जो पानी फ्रेश होता है, जो टैंकी से डायरेक्ट हमारी टैब में आता है, ठीक है। तो उस जगह पर ग्रीन एलजी हो सकती है। तो नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये लास्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। जैसे हम मल्टी कलर की बात करते हैं ना, अगर एक दो कलर हो तो हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और अगर एक से ज्यादा कलर हो जाए किसी कपड़े में, किसी भी चीज में, तो हम कहते हैं ये मल्टी कलर है, इसके अंदर मतलब एक से ज्यादा कलर्स हैं। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की आप समझ लें कि मल्टी का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा। सेलुलर मतलब उसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे। देखें हमने पीछे जब लेवल्स पढ़े थे, जब हमने वो पढ़ा इंडिविजुअल लेवल पढ़े, टिश्यू पढ़ा, और फिर हमने देखा कि टिश्यूज जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, ठीक है। यही पढ़ा था ना पीछे हमने कि टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, फिर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं आपस में तो एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल बन जाता है, किसी भी स्पीशी का एक मेंबर बन जाता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल जो है वो मार्ज वजूद में आता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट किसे कहते हैं, सरसों का पौधा, सरसों का पौधा। अब देखें सरसों का पौधा, इसको हम एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं सरसों के पौधे को, और इससे हम ऑयल भी लेते हैं, इसके बीजों से हमें ऑयल मिलता है, और सरसों के पौधे को वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम साग कहते हैं, हम साग खाते हैं तो वो क्या है, एक वेजिटेबल है, ठीक है। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट एक जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फ्रॉग के बारे में और मस्टर्ड प्लांट के बारे में। अभी तक के लिए हमने तीन लेवल्स को डिस्कस किया है मेजर। आज हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनिज्म को हमने पांच बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई और एनिमल्स और प्लांट्स। फिर हमने देखा सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है यूकैरियोट्स, जिसमें वाजिया न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट्स होगा, और जिसमें वाजिया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स होगा। फिर हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप्स हैं हमारे पास, एक है यूनिसेलुलर, एक है कॉलोनियल, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा कि तमाम जिंदगी, तमाम ऑर्गेनिज्म की जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करती है, उसकी जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज सिर्फ एक सेल के जरिए ही होती हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल देखी अमीबा की, युग्लिना की, पैरामीशियम की। फिर हमने देखा कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हैं तो सेल यूनिसेलुलर, लेकिन वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, हर सेल अपने अपने काम का खुद जिम्मेदार है। इसमें हमने एग्जांपल देखी वॉल्वक्स की, जो कि ग्रीन एलजी है और वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फिर हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि मल्टी सेलुलर का मतलब है एक से ज्यादा सेल्स, यानी टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाता है। और इसमें हमने एग्जांपल देखी फ्रॉग की और मस्टर्ड प्लांट की, यानी सरसों के पौधे की। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।